अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा, लास्ट की वीडियो में हम लोग ने देखा था आप इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं फ्लैश सेल्स के मेथड से। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग का सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं। आज हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे बाय कैटेगरीज। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि कैटेगरीज से पहले जो है आज हम एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं कि दराज पर कौन सी एक्सटेंशन होती हैं जिसके ज़रिए आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय कैटेगरीज मेथड से। पहले हम लोग देखते हैं कि दराज पे कौन सी एक्सटेंशन है। ठीक है, मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे दराज हंटिंग के लिए हमारे पास तीन एक्सटेंशन होती हैं। एक तो जारवेस होती है, दूसरी ज़ेयॉन हंट होती है और तीसरी होती है सेलर डैश। ठीक है, तो तीनों के प्रेस वगैरह क्या है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये ज़ेयॉन हंट की है एक्सटेंशन। ठीक है, ये दराज पे भी काम करती है और शॉपिफाई पे भी काम करती है। तो अगर आप ऑलरेडी शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं ज़ेयॉन हंट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि बेसिक फ्री में कुछ ज़्यादा खास चीज़ें मिलती नहीं है। बेसिक जो है वो 1400 रुपये महीने है और ये भी मंथली है, लेकिन कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्लूडिंग सीट, ये आप देख लें। कीवर्ड क्लाउड्स में मिल जाता है आपको, फ्री में लिस्टिंग और डेटा स्टोर मिल जाता है, फायर सप्लाई और अलीबाबा मिल जाता है। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेटर मिल जाता है, गूगल ट्रेंड वगैरह मिल जाता है, स्टोर बेसिक सेल प्रोडक्ट स्टीम रेगुलेटर। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसमें फ्री में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ज़ेयॉन हंट। अब दूसरा चलते हैं सेलर डैश। ठीक है, सेलर डैश में क्या मिलता है आपको? सेलर डैश में जो है वे मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डिस्कवरी, कम्प्यूटर इनसाइट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्री प्लान लिखा है, बेसिक प्लान लिखा है, प्रीमियम प्लान लिखा है। ठीक है, ज़ेयॉन हंट पे जो है वो आपका प्रीमियम ही 2600 का है और यहाँ पे जो है वो प्रीमियम जो है वो 1000 रुपये का। ठीक है, फ्री प्लान में ज़ीरो खास है नहीं और 700 रुपये मंथली चार्जेस है इसके। तो आप देख लें इसमें मार्केट रिसर्च में क्या आ रहा है, रिजल्ट व्यू, सेल्स इनसाइट, प्रॉफिट कैलकुलेटर दे रहा है आपको, ठीक, कस्टमर फिल्टर दे रहा है आपको, सर्च 150 तक सर्चेस कर सकते हैं, रिजल्ट व्यू दे रहा है आपको, डिमांडिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक अच्छा पैकेज है। अब चलते हैं जारविस। ठीक है, तो जारविस बनाई ही गई थी दराज के लिए, सबसे पहले यही आई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जारविस है, ये मार्केट रिसर्च में काम करता है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, सेल्स एंड रेवेन्यू आपको ये देता है। ठीक है, रिव्यू आपको देता है, प्रोडक्ट हिस्ट्री देता है आपको, कीवर्ड्स देता है, प्रॉफिट कैलकुलेटर आपको निकाल के देता है, ये लिस्टिंग एज आपको निकाल के देता है। ठीक है, तो ये देखें आप स्क्रीन पे, मैंने देखा होगा आपका आ रहा होता है, वो इस तरीके से आ रहा होता है। देखें यहाँ पे लिखा होता है कि कितने स्टॉक इसके पास अवेलेबल है, कब से लिस्टिंग पे काम कर रहा है, इसकी वेरिएशन है या नहीं है, इसके अलावा ग्राफ वगैरह भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। इसका बेसिक क्या है, $5 का प्लान है, अल्टीमेट क्या है $10 और प्रोफेशनल क्या है $15 का प्लान है। ठीक है, तो आप ये पढ़ लें। तो सब प्रोडक्ट ट्रैकिंग वगैरह तो ये मैंने आपको ट्रेलर दिखा दिया, आपको जो सही लगे आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतने सिंपल जो है वो एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो सबसे जो छोटा मोटा काम हमारा हो जाएगा, लेकिन ये कि आपको परचेज करनी पड़ेगी तो अगर आपने प्रॉपर काम करना है। ठीक है, तो सिंपल से क्या है आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करनी, ज़ेयॉन हंट मैंने लिखा, ये पेज खोल दिया, अपना लिखा आ रहा है एड टू क्रोम, मेरे पास लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम। आपने अगर एड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये मेरे पास एक्सटेंशन आ रही है। ठीक है, तो इसी के साथ आपके पास एड्रेस आ जाएगा, आप चाहे तो इसको यहाँ पे पिन भी कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी ये है यार, पिन मैं पिन कर दूँगा तो ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो आपने इसी वजह से ये डाउनलोड कर लेनी, इसके बाद आपने आना है और लिखेंगे सेलर डैश एक्सटेंशन क्रोम या क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये पहला लिंक आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे और सेम एक्ट क्रोम करेंगे तो आपके पास ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, सेम आपने यही करना है, जारविस पे आना है, दूसरे लिंक पे आ रहा है। ठीक है, दूसरे लिंक पे क्लिक कर देंगे आप और सिंपल आप इसको एक्ट क्रोम कर देंगे तो आपका क्रोम में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, तीन जो है हमें दराज की जो है ये एक्सटेंशन क्रोम में डाउनलोड कर ली है, इसके अंदर बेसिक फीचर्स वगैरह होंगे हम देख लेंगे, बाकी जो पेड वगैरह आप परचेज करना वो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग बाय कैटेगरीज मेथड। ठीक है, अपन देखेंगे ये नहीं कैटेगरीज जितनी भी आ रही हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, अब इसके ज़रिए हम हंटिंग करेंगे। ठीक है, ये होती हैं कैटेगरीज और इसके अंदर होती है सब कैटेगरीज। ठीक है, उसके अंदर भी और मज़ीद कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो लेट सपोज के आपका इंटरेस्ट है वॉचेस, बैग एंड ज्वेलरीज। ठीक है, तो आप इसमें जाकर चेक कर सकते हैं, मैन वॉचेस, वुमेन वॉचेस, किट, वुमेन बैग, लगेज, मैन ज्वेलरी, मैन एसेसरी, वुमेन एसेसरीज। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ वुमेन एसेसरीज पे, ठीक है, तो जो भी आप नीच में इंटरेस्ट है उस कैटेगरीज में आप जाएँ, आप जाके देख लें। जैसे कि मैं गया ऐसी रेंडमली मैं गया, अब मैं यहाँ गया, मेरे पास क्या प्रोडक्ट वगैरह आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आ रही हैं, इस पर 32 सोल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस पर कोई रिव्यू नहीं है, तो ये कैटेगरीज में जाके जो है ये आपको रैंडम प्रोडक्ट्स दे रहा है, यानी ये जो फ्रंट पेज पे प्रोडक्ट्स आ रही हैं
ये इतनी सेल्स नहीं हो रही है, ठीक है। आपने चीज़ का भी ख्याल रखना है, रैंडमली आप लोग प्रोडक्ट्स वगैरह दे रहे हैं, तो इसमें आप जाके चेक कर सकते हैं भाई क्या प्रोडक्ट्स वगैरह अपनी समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये रैंडमली आपको दिखा दिया, आपको आईडिया हो जाए कि जिस नीच में आपने जाना है, जिस कैटेगरी में आपने जाना है, तो आप देख के आइडिया कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं ऊपर आता हूँ, दोबारा होम पर जाता हूँ मैं। अब मैं चले जाता हूँ होम एंड लाइफ स्टाइल पर जाकर चेक कर लेता हूँ एक मरतबा, ठीक है। होम एंड लाइफ स्टाइल पर मैं गया तो क्या आ रहा है यहाँ पे, स्टेशनरी क्राफ्ट आ रहा है, मीडियम लॉन्ड्री क्लीनिंग क्लीनिंग किचन एंड डाइनिंग फर्नीचर डेकोर बाथिंग बेड, ठीक है। तो इसमें अगर मैं चले जाता हूँ टूल्स डाइंग एंड आउटडोर, इस पर चेक कर लेता हूँ मैं जाके एक मरतबा, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स वगैरह आ गई हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सर्च करना है आप फिल्टर डाइंग फाइव स्टार के, अगर सर्चिस करता है, ठीक है, नहीं करता तो फिर आप फोर स्टार रिव्यू पे आ जाएंगे। फोर स्टार रिव्यू पे आके भी आप चेक कर सकते हैं, फोर पे नहीं दे देगा, फोर पे दे रहा है, ठीक है। आप आके चेक कर लें, प्रोडक्ट वगैरह देख लें, क्या प्रोडक्ट वगैरह सेल हो रही है, क्या हो रही हैं, ठीक है, यहाँ के देख लें ये रिटर्न प्रोडक्ट होगी, ठीक है। फिर हम दोबारा जाते हैं बैक पे, तीन चार कैटेगरीज पे ऐसे देख के आएंगे, फिर हम दोबारा हंटिंग की तरफ जाएंगे, आपने करना क्या है, ठीक है। फिर मैंने ना चले गया मदर एंड बेबी है, ठीक है, मदर एंड बेबी में क्या चीज़ें आ रही हैं, थोड़े वुमेन पेशन में अगर चले हैं तो शूज़ है, गर्ल क्लॉथिंग्स है, ये आ रही है। अब मैथ्स में चले हैं तो मैथ्स में अगर मैं जाऊँ तो शर्ट्स में चले जाते हैं, ठीक है, शर्ट्स एंड पोलो, ठीक है। तो इसमें आप टी शर्ट वगैरह में अगर आपका गारमेंट्स में इंटरेस्ट है, मैन में तो आप जाके यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है। फिर आप दोबारा ट्राई कर लें, आप यहाँ पर लोकेशन में करते हैं पाकिस्तान, ताकि चाइनीज़ सारे हट जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अपना मटेरियल सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग का है, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रांड है, कैटेगरीज होगी, ठीक है। फ्री डिलीवरी का फिल्टर लगा कर चेक करते हैं, तो ये जो है वो लोग फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्री डिलीवरी का फिल्टर दे रहे हैं, और यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैटेगरीज में जो है फ्रंट पेज पर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट की खास दिखा नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है, बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, ठीक है। हम दोबारा पीछे आते हैं, अब इस कैटेगरी में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, तो इसमें आप लोगों को समझाने में आसानी होगी, ठीक है। अब ये आखिरी जगह ये हेल्थ एंड ब्यूटी, ठीक है, तो इसको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन इसके ये होती है गेटेड कैटेगरीज आती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, ठीक है। तो इसमें सेल करने के लिए आप लोगों को लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, लेटर वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें काम करना चाहते हैं तो फिर आप लोग डॉक्टर वगैरह चाहिए होगा, ठीक है, फिर आप जाके इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं दोबारा होम एंड लाइफ स्टाइल में आते हैं, और यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग लैट्रिन लॉन्ड्री क्लीनिंग, इसमें हम आ जाते हैं लॉन्ड्री क्लीनिंग में, ठीक है। तो अभी किचन गैजेट्स वगैरह इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। आप इसमें आप रैंडमली जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए अगर ये प्रोडक्ट्स पहले पेज पर आ रहे तो मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा, ये अगले पेज पर खोल दिया, ठीक है, इसको मैंने खोल दिया। अब मैं ये आ रहा है इसको भी क्लिक कर लूँगा, ये भी आ रहा है, ठीक है। और मैं आगे सर्च करता हूँ, ये नया प्रोडक्ट है, खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे गया, मुझे प्रोडक्ट समझ में आ रही है, लोडिंग हो जाए, ठीक है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर एक रिव्यू है, ये खुल गया, ठीक है, ये खुल गया, ये खुल गया। अच्छा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखें जादू उसके मैंने एक्सटेंशन की भी डाउनलोड तो ये शो कर रहे हैं। चार महीने पहले इसका अकाउंट बना था और लिस्टिंग इसके दो वीक पहले आई है, दो हफ्ते पहले इसने लिस्टिंग की है, तो मुझे इससे आइडिया हो गया। अगर मैं इसकी मेम्बरशिप बाय कर लूँगा तो वेरिएशन भी शो कर देगा मुझे, और ये प्रोडक्ट इसका कितना है, ठीक है, और कितने लोग विशलिस्ट में ऐड कर चुके हैं और कितनी सेल्स है, तो ये इसका फ़ायदा होगा। तो फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा व्यू इन डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड में पूरा डाटा मुझे इसका शो कर देगा अगर मैंने ये परचेज़ किया होगा तो, ठीक है। मैंने सिंपल साइड ट्रेस देख लिया, अभी मैं बताऊँगा आपने करना क्या, ठीक है। सेम देख लीजिए, पाँच महीने से यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, ये होता है स्टोर नेम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हम इस पर आते हैं, ठीक है, अब दोबारा आते हैं, अब मैं जाता हूँ पेज नंबर फोर पे। पेज नंबर फोर पे आने के बाद मैंने देखा मुझे जो है और नीचे आके देख लेते हैं, ये बकेट में आप चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। और एक और पेज चले जाते हैं, और यहाँ से जाने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने प्रोडक्ट्स देख लिए रैंडमली, ठीक है। कैटेगरीज में जाने का फ़ायदा क्या होगा कि जिस कैटेगरीज में आप जाएंगे उस कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स आप लोगों को शो होंगे, तो जिस डोमेन में आप नीच में काम कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी आपकी जो जो भी नीच वगैरह है फाइंड करने में, ठीक है। तो ये हो गया आपके, आप जब आप प्रोडक्ट्स देख लेंगे, फर्स्ट करें यहाँ आया न्यू 2.5 लीटर बकेट डुअल बकेट सिस्टम मॉप एक्स्ट्रा मॉप हेड, ठीक है।
तो इसका मैं कीवर्ड कॉपी करूँगा, ठीक है, नया टैब ओपन करूँगा, दराफ पी के लिख दूँगा। सिंपल से मैं लिंक्स का कॉपी पेस्ट किया, अब मैं कीवर्ड्स कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके सर्च कर दूँगा। जब सर्चेस करूँगा तो यहाँ जो कैटेगरीज में सर्च करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ नहीं आएगी मुझे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करूँगा, एक तो कीवर्ड्स आ गया, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं क्योंकि ये अलग टॉपिक है, इसलिए फाइंड करेंगे शॉर्ट टेल क्या होता है, लॉन्ग टेल क्या होता है, ठीक है। तो इस कीवर्ड पे 1316 सर्चेस आ रही है, 3000 से कम है, तो इस पर हम जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि फ्री डिलीवरी का फिल्टर ला कर ट्राई कर दें तो ये और हो जाएंगे कम। और उसके बाद आप अगर आप यहाँ पर 5 स्टार पर क्लिक कर देंगे जिसमें और कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस कीवर्ड पर कितने आइटम आ रहे हैं अभी, ठीक है, ये एक आइटम आ रहा है इस कीवर्ड पे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये आइटम बंदे एक ही बंदा सेल करे, ऐसा नहीं है। आप कीवर्ड्स को आगे पीछे करेंगे तो आपको और भी चीज़ें जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगी। दिखाता हूँ मैं, अगर मैं बकेट सिस्टम नहीं, पूरा कीवर्ड नहीं है, अगर मैं इसको बकेट मॉपी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ये अब मैंने लिखा ना बकेट मॉप, ये रहा सेम कीवर्ड। अब इतनी आ रही सर्चेस, 213 सर्चेस आ रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, फ्री डिलीवरी का फिल्टर लगाऊंगा और कम से कम 5 स्टार रेटिंग में अप्लाई कर दूँगा। तो अब ये जो 14 सेलर आ रहे हैं ये सेल कर रहे हैं अच्छे आइटम क्वान्टिटी में, ठीक है। अब इसमें 3 रिव्यू आए हुए हैं, इसमें 4 आए हुए हैं, इसमें 1 आया हुआ है, ठीक है, इसमें 37 आए हुए हैं, इसमें 4, 7, तो इसका मतलब कि इस में जो है कंपटीशन इतना नहीं है। लेकिन कंपटीशन इस कीवर्ड में नहीं है, अगर मैं कीवर्ड चेंज करूँगा तो इसमें और वेरिएशन आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ड्यूअल बकेट सिस्टम मॉप लिखा है नहीं मैंने, अब अगर मैं पूरा कीवर्ड्स लिख दूँगा तो क्या होगा मेरे पास, अगर मैं फिल्टर ही अप्लाई नहीं करता, फिल्टर ना अप्लाई करूँ क्या आ रहा है, 1 के सोल्ड आ रहा है, 32 सोल्ड आ रहा है, 375 सोल्ड आ रहा है, 1 के सोल्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप देख लें तो आपको अच्छे से आइडिया होगा यार, कीवर्ड्स आपने आगे पीछे जो है टाइप करके देख लें तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इस कीवर्ड्स पे ये आइटम में लोग कितने सेल कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस आइटम में गया तो इसमें समझ में आ गया कि इसके जो ये मॉप है ये भी लोग सेल कर रहे हैं और ये जो ये है ये भी लोग सेल कर रहे हैं। 84 सोल्ड लिखा हुआ आ रहा है, 5 सोल्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो इससे चलते चलते भी ये आइटम है, पूरा सेम नहीं है, अलग है, प्लास्टिक का वो मेटल है। तो देखें इसका मतलब मुझे आइडिया हो गया कि वो मॉप, ठीक है, 174 सोल्ड, ठीक है। अब आप जब आपने कीवर्ड्स आगे पीछे किया फिर आपको शो हो रहा है हाँ यार ये तो बाकी सोल्ड कर रहे थे, इसका मतलब क्या होगा कि कीवर्ड्स पे आपने आगे पीछे करना ज़रूरी है। अब हमने एग्जैक्ट कीवर्ड्स डाला ड्यूअल बकेट सिस्टम मॉप, फिर जाके हमें जो है ये आइटम शो है। अगर हम इस पर फिल्टर लगाएँ फ्री डिलीवरी का और 5 स्टार रिव्यू का, तो अब 10 आइटम्स ने कर दिया है, ठीक है। तो ये नहीं, अगर हम इस पर 4 स्टार का रिव्यू लगाएँ, 4 स्टार पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, 4 स्टार पर सही है, ठीक है। अगर आप 5 स्टार लगा रहे हैं और उस पर लिस्टिंग कम शो कर रहे हैं तो आप 4 स्टार पर लगा दें, ठीक है। उमूमन लोग जो हैं वो 4 स्टार रिव्यू करते ही हैं, 5 भी करते हैं लेकिन कम करते हैं, ठीक है। तो अब आपको लोगों बेहतरीन दिखा रहा है, तो आपने आइडिया कर लिया। इसका मतलब ये है कि इस आइटम पर आप जा सकते हैं, क्योंकि देखें यहाँ 1 के सोल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो ये आइटम पर आप जा सकते हैं, ठीक है। अब आपने हंटिंग वगैरह किस तरीके से करनी है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3000 से कम होनी चाहिए सर्चेस, अगर सर्चेज़ ज़्यादा आती हैं तो फ्री डिलीवरी का फिल्टर लाकर ट्राई कर दें, उसके बाद आपकी ऑटोमेटिक सर्चेस कम हो जाएंगी। लेकिन आपने प्रोडक्ट भी अपलोड कर फ्री डिलीवरी भी करनी है, आपने सोच लेना है, ठीक है। फिर आपने 5 स्टार के रिव्यू लगा चेक कर लेना है, 5 स्टार के रिव्यू के बाद अगर आपको प्रोडक्ट वगैरह शो नहीं हो रही तो कम से कम 4 स्टार का रिव्यू लगाएं, 4 से कम मत लगाइएगा, ठीक है। 5 से 4 रेटिंग भी अच्छी होती हैं, तो हमने लगा लिया, अब हमें एक आइडिया हो गया हाँ इस प्रोडक्ट लोग सेल वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम रैंडमली ये लिस्ट ओपन कर लेते हैं, अब मैं आप लोगों को एक्सटेंशन यूज़ करना सिखाता हूँ। हमने पहले ऐसे देख ली कि इसमें रिव्यू भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, कंपटीशन वगैरह हमने मैनुअली चेक कर लिया, ठीक है। चाहे जब तक कि लोडिंग हो रहा है तो मैं आप लोगों को इसी दिखा रहता हूँ। फर्स्ट कहना है कि हम लोग ये वाला आइटम सर्च कर रहे थे, मैं दोबारा वापस यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर देखें सिलेक्ट डैश की मेरे पास आ रही है एक्सटेंशन, इसको मैं खोलूँगा और यहाँ प्रोडक्ट्स क्लिक कर दूँगा। तो अब यह करेगा ये प्रोडक्ट्स जो हैं, यानी एक पेज पे 40 लिस्टिंग होती हैं, तो 40 के 40 आइटम में दिखा देगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 40। अब इस 40 में क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्या उसका ब्रांड नेम क्या है, ठीक है, ब्रांड नेम है या नहीं है, लोकल सेलर है क्या है, सब शो कर देगा यहाँ पे। प्राइस कितने हैं, वो प्राइस में सेल कर रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 7 दिन में कितने सोल्ड हुए हैं, ठीक है, और यहाँ लिखा है 30 दिन में कितने सोल्ड हुए हैं, और टोटल सोल्ड आइटम से कितने हैं, और 7 डे की सेल्स क्या है, आप देख रहे हैं 1,40,000, 30 दिन की सेल क्या है, या लिखा हुआ है 4,77,000, टोटल सेल्स कितनी है, रिव्यू कितने हैं, रेटिंग कितनी है,
लोकेशन कहाँ की है, सेलर ठीक है, ये इसका ब्रांड नेम है तो क्या है, तो ये एक्सटेंशन का फ़ायदा है। अभी आप मैनुअल में आप लोगों को ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी, ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक्सटेंशन कर लें, आपको टाइम बच जाएगा, मैनुअली बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, अब हमने क्या करना है, हमें देखना है यार कम से कम रेटिंग देखें, रेटिंग कम से कम देखें 4.3 4.4 ये रेटिंग होनी चाहिए आपकी, 4.1 ये आप इस पर जा सकते हैं, ठीक है। पूरा सेल देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अपॉर्चुनिटी स्कोल लो डिमांड लो कंपटीशन, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन है कि लो डिमांड लो कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन कम है लेकिन डिमांड भी कम है, ठीक है, तब इस पर आप जा सकते हैं। इसका मतलब ये कि आपको इतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं आएंगे आएंगे लेकिन नहीं, लेकिन अगर ये होता है कि हाई डिमांड, ठीक है, और हाई कंपटीशन, फिर थोड़ा मुश्किल होता है, इस पर हम जाते ही नहीं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें एवरेज निकाल लें, एवरेज मंथली सेल्स कितनी है, 50, एवरेज रिव्यू क्या है 143, यानी कि पूरा मिला के लिस्टिंग में एवरेज जो है तो मंथली जो है 143 इसमें रिव्यू आ सकते हैं, रेटिंग 4.2 ही है, ठीक है, और एवरेज प्राइस क्या 2049 का इसमें आ रहा है, ठीक है। अब आपने करने का यहाँ पे देखें, अब आपने देख लिया कि यहाँ पे 7 दिन में जो है इसके 64 आइटम सेल हो रहे हैं, फिर आपने इसको ओपन कर लेना है, भाई ये ऐसा क्या कर रहा है, इसको सेल हो रहा है, आपने इसको लिस्टिंग में चेक कर लेना है, ठीक है, 64 सोल्ड कर रहा है, 42 सोल्ड कर रहा है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर चेक करना है कि ऐसा क्या कर रही है, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी 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 लिस्टिंग इसमें ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं, उसको आपने ओपन कर लेना है। इस तरीके से 35 में कितनी सेल कर रही है, आपने यहाँ हमने ओपन कर लिया, हमने ओपन कर लिया, ये आपने देख लेना है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से आप हंटिंग कर सकते हैं, आपको आइडियो का हो गया ये आइटम इतना सेल कर रहा है, क्वान्टिटी में सेल कर रहा है, तो ये फ़ायदा है एक्सटेंशन का, ठीक है। अच्छा, ये क्या मार्केट का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है यार, ठीक है। तो आप ये फ्री एक्सटेंशन है, इसमें ज़्यादा मुझे शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स पे आके आपने यहाँ पे ये डाउनलोड सी एस पी करेंगे तो आपके पास ये सारा डाटा जो है इसकी एक्सेल की शीट में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर आप अपने एक्सेल में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट्स एस पी सी देखेंगे, मेरे पास डाउनलोड होगी, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो ये जब तक कि ओपन होता है इसको देखते हैं, ठीक है, मैंने आप लोग, अच्छा, अब हमने ये देख लिया एक्सटेंशन, हमने वाला इस्तेमाल कर ली स्लाइड डैश की, एक पेज पर इसमें हमें शुरू कर दी, ये हमारे एक काम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आके हमने देखा कि 169 की रेटिंग है, अब हमने रिव्यू चेक करना है, आया कि ये इसमें ख़राबियाँ क्या हैं, अच्छी भी देखेंगे लेकिन पहले ख़राब देखेंगे, 112 अगर पॉजिटिव रिव्यू है तो 13 क्यों ख़राब किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप फोटो पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कस्टमर ने आपको फोटो में रिव्यू देंगे आपको वो शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर 5 स्टार आ रहा है, यहाँ पर 4 स्टार आ रहा है, यहाँ पर 3 स्टार आ रहा है, यहाँ पर 2 स्टार आ रहा है, यहाँ पर 5 स्टार आ रहा है, 5 स्टार पर क्लिक करेंगे तो आपको 5 स्टार रिव्यू शो कर देगा यहाँ पर, ठीक है, आप आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, देखिए ये रिव्यू आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस पर हम देखना चाहें कि 1 स्टार लोगों ने क्यों रिव्यू दिए, इस पर क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। अब देखें लिखा इतनी घटिया क्वालिटी है, इसकी 4 दिन बाद ही लॉक टूट गया था, ठीक है, इसका लॉक मच में आ गया, इसका लॉक प्लास्टिक का, उसका मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा कंपनियाँ आ सकती हैं, लॉक की आ सकती हैं, ठीक है। द क्वालिटी इज़ वेरी चीप एंड नॉट वर्थ द मनी, ठीक है, क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, मैं वेरी लो क्वालिटी, ठीक है, लो क्वालिटी प्लास्टिक है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें आइडिया हो गया कि इस प्रोडक्ट में ये खामी है, आई हैव एन इशू सेल, प्लीज कॉन्टैक्ट मी विद प्रॉपर वाटर ड्रापर्स ऑन वाटर साइड, क्वालिटी इज़ वेरी बैड, ठीक है। तो इसका हमें आइडिया हो गया कि ये प्रोडक्ट्स में जो है क्वालिटी आती है, लोकल प्लास्टिक भी आती है, अच्छी वाली प्लास्टिक भी आती है, और इसमें मेटल वाला भी आता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हम मेटल वाला सेल कर सकते हैं, ठीक है, साइड पर छोटा है, वेरी बैड क्वालिटी, ठीक है। तो पहले बुराइयाँ पड़नी है इसकी, ठीक है। अब 112 रिव्यू है तो बैड रिव्यू कम है, लेकिन हम इस साइड ये हो गया कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इतने ढेर सारे रिलेट्स ने जो है हमें अच्छे रिव्यू भी दिए हैं, तो बुरे रिव्यू तो होते हैं। आप ये नहीं कहते, देखें 112 रिव्यू है, इसमें 13 लोगों ने अगर बैड रिव्यू दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 13 लोगों को फॉलो करेंगे, ठीक है, ओके, 13 लोगों ने रिव्यू दिए हैं, ख़राब दिए हैं, सिर्फ 13 लोगों ने दिए हैं, तो ज़्यादा लोगों ने नहीं दिए हैं, लेकिन हमें इतना रिव्यू से आइडिया हो गया कि बाकी इसमें जो मटेरियल सही नहीं है, मेरा प्लास्टिक सही नहीं है, लेकिन क्या चाइना के आइटम की बात है, वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें जाकर सेल कर सकते हैं, तो हम थोड़ा देख लेते हैं, अपन ये थोड़ा हैंग हो गया। अब अमेजिंग प्रोडक्ट, आई एम रिव्यू आफ्टर 2 यूज, ठीक है, 2 वीक यूज़ करने के बाद रिव्यू दे रही है, ठीक है, गुड क्वालिटी सेटिस्फाई विद दिस प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें जैसे ही खोला है वैसे रिव्यू दे रही है, इससे क्वालिटी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। इससे रिव्यू से जाकर आपको आइडिया हो गया, हाँ यार ये रिव्यू भी हम जा सकते हैं, ठीक है। और भी तरीके होते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिलहाल दराज पे, आप दराज से बाहर जाके यानी कि अमेज़ॉन वगैरह, ई बेट से, वॉलमार्ट वगैरह जाके अभी प्रोडक्ट वगैरह सर्च कर सकते हैं कि वहाँ के रिव्यू आ जाए, अगर आपको यहाँ रिव्यू नहीं मिले, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी आपको प्रोडक्ट देख के आइडिया हो गया, हाँ यार ये इस पर रिव्यू है, हम जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ का दिखाई थी मैंने आपको, ये हो गया सेलर डैश। अब दूसरा एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं ज़ियोन हंट, ये खुली हुई एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो आपके पास लेफ्ट में इस तरीके से शो हो जाएगी, ठीक है।
अब देखिए प्रोडक्ट रिसर्च आ रहा है यहाँ पे, कीवर्ड क्लाउड्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स सप्लायर और अलीबाबा, इसमें आपको सप्लायर का भी ऑप्शन दे रहे थे, डायरेक्ट ये अलीबाबा पे ले जाएगा आपको, लेकिन हम लोगों ने हंटिंग जो है वो लोकल यानी कि लोकल मार्केट से करनी है, अली एक्सप्रेस वगैरह से नहीं करनी, क्योंकि वहाँ क्वान्टिटी में आपके ऑर्डर होते हैं मिनिमम 1000 पीस 500 पीस, ठीक है, तो उस पर नहीं जाना अगर आपके पास इतना बजट है तो आप क्या करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट रिसर्च पर, ठीक है, इस पेज पे आया, मैंने प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक किया तो 40 पे 40 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक पेज पे 40 लिस्टिंग होती हैं, ठीक है। अब आपको दिखा रहा है कि आप फ्री में ये कर सकते हैं, बेसिक डिज़ाइन आप ले रहे हैं, मुझे बार बार देख रहा है, मैं करूँगा नॉट राइट नाउ। अब इसने मुझे दिखा दी कि एवरेज प्राइस का 1216 है, एवरेज रिव्यू 143 है, एवरेज रेटिंग का 4.17 है, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम ये रहा, इसका ब्रांड नेम ये है, इसकी प्राइस ये है, कमीशन इस पर इतना चार्ज हो रहा है, ठीक है। 7 डे की सेल्स इसमें शो नहीं कर रहा है, 30 दिन की सेल्स शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये फ्री है, ठीक है। टोटल सेल्स कितनी है, अच्छा फ्री वो भी थी, लेकिन क्या उसमें एक सर्चेस आप कर सकते हैं, मैंने कोई सर्चेस नहीं की थी, इस वजह से उसने शो कर दी थी, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल रही है, रिव्यू रेटिंग, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ का इजाफा है, फुलफिलमेंट FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि मैं लोकली काम कर रहा हूँ, और FPD फुलफिलमेंट होता है दराज, यानी कि आप दराज को अपने आइटम दराज को भेज देते हैं, दराज अपने वेयर हाउस पर रखता है, वो खुद पैक करता है, शिप करता है और ड्रॉप करता है, वो सब काम होता है, ठीक है। कि मेजॉरिटी आपको मिलेंगे FPM, देखिए सारे FPM खड़े हुए हैं, कोई FBD नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे कर सकते हैं आप ओपन कीवर्ड क्लाउड्स है, डाउनलोड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके CSV में डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड फ्रेंड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बाकी इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहो आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड्स क्लाउड पर क्लिक करूँ तो देखें इसके उसने कीवर्ड्स भी दिखा दिया, ये कीवर्ड्स कितनी मात्रा इस्तेमाल हुआ है, देखें मॉप 105 मात्रा इस्तेमाल हुआ है, स्पिन मॉप यानी स्पिन 20 मिनट इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आप कीवर्ड टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो आप कीवर्ड्स के लिए कितना अच्छा है, तो आपको आइडिया हो गया ये कीवर्ड ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सर्चेस हो रही हैं, तो ये आप कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एक्सेल की शीट डाउनलोड की थी, इसको खोल के चेक कर लेते हैं, देखें आपको ये एक्सेल के फॉर्म में सारा डाटा दे दिया है, ठीक है। इसमें से आप फिल्टर भी ला के अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप आएँ, ये लग गया फिल्टर, ठीक है। फिल्टर में आप जाके यहाँ पर आप 60 फिल्टर लगा सकते हैं, सारा फिल्टर इसकी है, ठीक है। इसको असेंडिंग में कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आगे करूँ सॉर्ट A to Z कर लेते हैं, देखिए उसने A to Z कर दिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिव्यू वाले चले गए नीचे, आप चाहते हो उसको उल्टा कर दें, सॉर्ट Z2 है, सबसे टॉप वाले रिव्यू यहाँ आ गए, तो आपको आसानी होगी, मैं हमने इन लिस्टिंग को चेक करना है, बाकी हम लोग कर देंगे डिलीट। तो ये आप कर सकते हैं, आप ये आपके ऊपर आप किस तरीके से हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक मैंने आपको दिखा दी, दोनों एक्सटेंशन मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखा दी, और जार्विस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जार्विस की जो है वो एक्सटेंशन आपके ऊपर शो हो रही होती है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, ये और उसके अपने बेनिफिट है, आप परचेस कर लेंगे तो वो आपको भी शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कर ली, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं हम लोग, आप आ जाते हैं प्रोडक्ट में, कर ली ये देख ली हमने, तो इस प्रोडक्ट में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। अब हमने स्प्रे मॉप खोल लिया, इसको देख लेते हैं स्प्रे मॉप, ठीक है। अच्छा सेम अब हमने स्प्रे करना है, कोई वीडियो लंबी हो गई है, मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो इससे बेहतर है कि आप खुद कर लीजिए, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट हम इस पर हम यही करेंगे, इस पर हम यही करेंगे, और इस पर हम यही करेंगे, इस पर हम यही करेंगे, ठीक है। अब फिर वो देखें जार्विस हमें दिखा रहे ऊपर कि कितने मन से काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक सेलर्स जो है वो काम कर रहा है, तो ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आया वो कब से काम कर रहा है, अभी नया नया आया है और उसको 3 महीने हो 5 महीने हो उसकी सेल्स आ रही हैं, तो इसका मतलब कि नया नया लिस्टिंग किया तो आप भी सेल कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा पुराना कस्टमर है उसको बीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर 5 महीने पहले आया है, इसकी इतनी लिस्टिंग है, तो हमें एक रफली आइडिया मिल गया, जैसे कि हम यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे देखें 1 साल से काम कर रहा है, तब जाके इसके पास 69 रेटिंग है, तो इसको ऐसी थोड़ी मिल गई रेटिंग, तो 1 साल से काम कर रहे थी, मेहनत की, तो फिर जाके इसका बस आया, ठीक है। तो ये बस ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो 169 इसकी रेटिंग है, तो हमने बेसिकली क्या चीज़ें चेक कर ली, सिंपल सी कि यहाँ पे उसका स्टोर नेम शो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो उसके रिव्यू शो हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें सिर्फ आज की वीडियो में इतने ही काफ़ी आप लोगों के लिए, इसको आप अगर प्रैक्टिस करें तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को जो है वो सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बेसिक क्राइटेरिया यही है, ठीक है, और जितनी भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कि फजल अटैम्प्ट नहीं होना चाहिए और क्या क्या नहीं हुआ, आप आखिरी वीडियो में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आज की वीडियो में नहीं, आज की वीडियो हम लोगों ने क्या देखा कि हमने देखा कि एक्सटेंशन कौन सी होती हैं दराज के हंटिंग के लिए, जार्विस होती है, ज़ियोनन होती है, सेलेडश होती है, ठीक है। इनके पैसेज हमने देखी और ये काम किस तरीके से करती है, ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और हम लोगों ने आज देखा कि आप दराज पर प्रोडक्ट हंटिंग बाई कैटेगरीज मेथड किस तरीके से कर सकते हैं, कैटेगरीज करने का फ़ायदा क्या होगा, कैटेगरीज करने में आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को एक तो ये समझ में आ जाएगा कि दराज पर
कौन सी कैटेगरीज होती हैं और हम कौन सी कैटेगरीज पर जाके सेल कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरीज में फ्लोकन में फ़ायदा होगा, कैटेगरीज में आप जाके सारे आइटम्स देख सकते हैं। फर्स्ट क्या अगर मेरा किचन गैजेट्स में इंटरेस्ट है, इसमें जाके हम किचन के सारे प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं। ठीक है, अब जो किचन के नीचे मुझे प्रोडक्ट्स नहीं समझ में आया, मुझे क्या सर्च करना है, क्या क्या होती हैं प्रोडक्ट्स, तो वो मैं आराम से सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आके 1,13,61,000 जो है वो मुझे रजिस्ट्रेशन मिल रही है, तो मैं सारी जगह चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे कितने पेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे 102 पेजेस आ रहे हैं, और एक लिस्टिंग पे होती है 40 लिस्टिंग होती है, 40 मटेरियल पर 102, तो इतने आइटम्स यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से जाके आप एक एक आइटम जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कैटेगरी मेथड में जाके अगर आपको आइटम नहीं मिल रहा तो आप जाके कैटेगरी मेथड में जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस तरीके से आप एकदम सिंपल से जो है प्रोडक्ट वगैरह सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।